Hey everyone, welcome to Unacademy and I hope you're learning absolutely awesome. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और अपने ब्रांड न्यू लेसन के साथ, जहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कशन ले रहे हैं आपके UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए. द हिंदू एज अ न्यूज़पेपर is utmost important part of your preparation and it is really important कि आप लोग ये चीज़ समझ पाओ कि द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ते कैसे हैं. और पढ़ना तो एक अलग चीज़ है, एनालाइज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट हेयर मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोगों को ये सिखाया जा सके कि नोट्स कैसे बनाते हैं, वो नोट्स जो कि आप लोगों के काम आते हैं. ओके जो आप लोगों के काम आते हैं. प्लीज़ अगर मेरी वॉइस और वीडियो आपको क्लियर है तो मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से कि इज़ एवरीथिंग क्लियर गाइस, सब कुछ क्लियर है. ओके ओके गुड, चलिए ऑल क्लियर. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. जो यहाँ पर मैं आपके साथ चीज़ें कवर करता हूँ वो आपके GS पेपर नंबर 1 का पार्ट होती है UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. इसके साथ साथ मेंस में इसका सिलेबस GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को भी आप लोगों के लिए कैटर करता है. शुरुआत करते हैं. नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको लगातार समझाता जा रहा हूँ. डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग इसके साथ साथ यहाँ पर नोट्स बनाते चलें. ओके चलिए आज पेज नंबर 1 पे हम लोगों को एक जो न्यूज़ देखने को मिली, दिस इज़ अबाउट दी प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हाइक रेट्स प्रीपेड यूज़र टू बी हिट. क्या हुआ है यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन को. लेट अस अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या बोला. सो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने AGR के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया. AGR एज अ टॉपिक इज रिलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2020. प्रीलिम्स 2020 के लिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए जरूरी है. सो व्हाट इज AGR, कैसे आप लोग AGR को डिफाइन करोगे. इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने AGR की डेफिनेशन के बारे में एक बड़ा वर्डिक्ट दिया था और ये बोला था कि अराउंड 1,00,000 करोड़ रुपीस वोडाफोन और भारतीय एयरटेल को देने ही पड़ेंगे. एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज द यूजेज एंड लाइसेंसिंग फी. क्या है ये, एक तरीके की यूजेज और लाइसेंसिंग फी है जो कि यहां पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं वो देते हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को. इसको यहां पर दो अलग अलग चार्जेस के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. पहला यहां पर आप लोगों के लिए लाइसेंसिंग फी जो कि अराउंड 8% होती है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के. दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं SUC स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज.
जो कि 3 से 5% होती है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू के। अब बड़ी चीज क्या थी कि ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टेलीकॉम से रिवेन्यू आता था उसको ही इंक्लूड किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे सामने वर्डिक्ट आया वो यही कहता था कि टेलीकॉम रिवेन्यू के साथ इसको यहां पर नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू को भी देखना चाहिए। इससे गवर्नमेंट का क्या फायदा होता कि मान लो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू टेलीकॉम रिवेन्यू से मतलब यहां पर सिर्फ 100 रुपीज है तो भारत सरकार को इसी के हिसाब से पैसे मिलते थे। अब अगर इसमें नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू एड ऑन हो जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट की भी जो रिवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू मतलब जैसे जो हमारी टेलीकॉम कंपनी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट से पैसे लेती हैं, यहाँ पर आईपीएल में पैसे लगाती हैं, ठीक है, और जो बहुत सारे यहाँ पर और भी जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं इनके, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू की डेफिनेशन हम लोगों के लिए सामने आई। यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इतना सबने लिख लिया, इतना सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है सबको? स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो ना आप लोग, जो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहे हो उसका यूजेज चार्ज है। चलिए जी अब न्यूज़ को वापस देख लेते हैं। न्यूज़ का क्या कहना है? न्यूज़ का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो आपके जो टैरिफ हैं वो 40% से यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वोडाफोन यूज़ कर रहे हो तो पैसे बढ़ गए होंगे आपके, जियो यूज़ कर रहे हो तो 40% से पैसे बढ़ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों के ही जो आउटस्टैंडिंग डेट हैं वो 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। दे आर अराउंड 1,00,000 करोड़ रुपीस। इस न्यूज से रिलेट करते हुए यहां पर आप लोगों के जीएस पेपर में जो चीज इंपॉर्टेंट है, गाइस दिस इज रिलेटेड विद योर जीएस पेपर नंबर 3। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जीएस पेपर नंबर 3 इंडस्ट्रियल ग्रोथ का यह पार्ट है। इसके साथ साथ जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो यहां पर जो आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है दिस इज चैलेंजेस इन टेलीकॉम सेक्टर। चैलेंजेस इन टेलीकॉम सेक्टर, सो गाइस व्हाट आर द इश्यूज। इस टॉपिक से रिलेट करते हुए हमें इश्यूज क्या समझ में आए कि इश्यूज क्या क्या हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। सबसे पहले देर इज अ अंडरलाइंग डेट, देर इज अ इश्यू ऑफ करप्शन एंड रेड टेपिज्म। गाइड रेड टेपिज्म का मतलब जब यहां पर फाइल पे फाइल चढ़ती हुई नजर आती है, लाल धागे में फाइल बन जाती है, कभी खुलने का नाम ही नहीं लेती है। करप्शन के अंदर जिस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम के घोटाले देखने को मिले, यहां पर एक इशू है रिवेन्यू का कि रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कि कंपनी यहां पर अपने रिवेन्यू को हाइड करती है कि वो कम पैसा दें भारत सरकार को, और इसकी वजह से गवर्नमेंट का भी यहां पर जो इनकम होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ यहां पर कॉस्ट किस तरीके से डिवाइड होंगी, टैरिफ किस तरीके से डिवाइड होंगे, 5G हम लोग किस तरीके से लेकर आएंगे, वो कुछ सब इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। दीज आर दी इश्यूज एंड इन इश्यूज के साथ साथ देर इज सम डिमांड, देर इज सम डिमांड जो कि यहां पर टेलीकॉम सेक्टर इंडस्ट्री कर रही है। डिमांड जैसे कि
वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सल चार्जेस आने चाहिए, कि चाहे आप लोग वोडाफोन यूज करो, एयरटेल यूज करो, जियो यूज करो, चार्जेस सेम होने चाहिए। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन को और भी ज्यादा हम लोगों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। देयर शुड बी अ वायबल प्राइसिंग मैकेनिज्म, चाहे वो वॉइस कॉल के लिए हो या डेटा के लिए हो। यहां पर बात हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वो अच्छी तरीके से होने चाहिए। तो ये यहां पर कुछ डिमांड है जो कि यहां पर हमें टेलीकॉम सेक्टर दिखाता हुआ नजर आया है। दीज आर दी डिमांड गाइस। लिख लिया सबने? सबने ये लिख लिया? छोटा सा, एक छोटा सा टॉपिक है इसके साथ, है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि एजीआर क्या होता है, रेट क्यों बढ़े हैं, तो ये आता है चैलेंजेस इन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और टेलीकॉम सेक्टर के चैलेंजेस का मतलब जीएस पेपर नंबर 3 का पार्ट है, जीएस पेपर नंबर 2 का पार्ट। इट्स वायबल प्राइजिंग, वायबल प्राइजिंग। आई होप सबको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके चलिए जी, एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में नोट्स बनाने वाली चीज नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है। 92.9% केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग इन सिटी कोर्ट्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू देखा गया है। यू ऑल नो व्हाट सो एवर इज गोइंग इन आर नेशन, ठीक है, क्या मुद्दे चल रहे हैं। स्पेक्ट्रम फन क्या है? स्पेक्ट्रम फन नहीं है, वो कहाँ गया? ऑक्शनिंग, ऑक्शन, ऑक्शन, इट्स ऑक्शन, ऑक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है कि कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। दिल्ली के अंदर जो कन्विक्शन रेट है, इट इज़ ओनली 33.2%। हमें बहुत सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हम यहाँ पर देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, वो होते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। वो केसेस होते हैं असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। वो केसेस होते हैं किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन के। तो इस तरीके के हमें यहाँ पर केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये आर्टिकल हम लोगों को यही चीज़ बता रहा है कि ऑल दो जो केसेस होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, उनको बहुत ही हाई प्रायोरिटी के साथ हम लोग डील करते हैं। दे आर डेल्ट विद वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी। चार्जशीट भी 60 दिन के अंदर अंदर फाइल आउट की जा चुकी है, बट जो ट्रायल वाला प्रोसेस होता है उसके अंदर या तो विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, विटनेस ही गायब हो जाता है, स्टेटमेंट की कमी होती है, गवाहों की कमी होती है, इस वजह से प्रोसेस हमें लगातार डिले होता हुआ नजर आता है। यहां पर हमारे देश में जो केसेस की पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ रही है, ये आपको पता होना जरूरी है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। Yes, Satish, it is important. This is a part of your GS paper number 2 and GS paper number 1. And this is also a part of GS paper number 4. Ethics and integrity ka bhi ek bahut important part hai. Aap in points ka istamal apne essay mein bhi kar sakte ho. Chaliye ji. Agle article ki taraf badhte hain. This article talks about इंडिया को यहाँ पर पहली फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट मिली है। ओके सॉरी शिप मिली है। इंडिया इज सेट टू गेट इट्स फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप। नाम क्या है इस शिप का? इस शिप का नाम है VC 1184। दिस इज द नेम। ये इंडिया की पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। न्यूयॉर्क के यहाँ पर टाइम पे ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इस प्रोजेक्ट को 2014 के अंदर 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। दिस पर्टिकुलर शिप इज फिटेड विद प्राइमरी एक्स बैंड एंड सेकेंडरी एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्कैंड अरे रडार।
जिनकी मदद से हम यहाँ पर मिसाइल्स को ट्रैक कर पाएंगे। और इस शिप की जो यहाँ पर आप साइज़ देखोगे वो इतना बड़ा है कि 300 यहाँ पर पर्सनल्स भी इसके साथ आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा डेक है हेलीकॉप्टर को लैंड करने का और बहुत सारे मिसाइल ट्रैकिंग एंटीना इस शिप के अंदर लगे हुए हैं। एज इट इज़ आपको प्रिलिम्स के लिए ये पर्टिकुलर फैक्ट याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 8 रिलेटिंग विद योर सोसाइटी पोर्शन। बात हो रही है केरलाज अफोर्डेबल मील प्रोजेक्ट अ हिट विद मासेस। देखो जनरली यहाँ पर क्या बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी का ये टॉपिक है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद योर फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सरकार इस तरीके के यहाँ पर सेंटर्स खोले जहाँ पे लोगों को बहुत कम पैसों में खाना मिल सके। मतलब यहाँ पे हम लोग फ्री में खाना नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम रेट पे, बहुत कम पैसों पे हम लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अगस्त 2019 से एक केरला के अंदर पहला रेस्टोरेंट वर्क कर रहा है जिसका नाम है सुभिक्षा। सुभिक्षा इज द फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑफ द केरला फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट इन द स्टेट, जिसका मेन मकसद है कि क्वालिटी फूड हम यहां पर रीजनेबल प्राइस पे दे सके। यहां पर यह हंगर फ्री केरला प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पब्लिक रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वेजिटेरियन मील सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में यहाँ पे मिल जाती है, और अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी खाना प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। सो दिस इज द रीजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, चलिए अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज दिस आर्टिकल इज रियली इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्रीलिम्स 2020 के अंदर इससे सवाल बन सकता है। देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात हुई ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में। आप एज इट इज लिखोगे कि व्हाट इज ऑपरेशन क्लीन आर्ट, और इसका आंसर आप लोगों को दूसरे पेज पे मिलता है। गाइज ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इट वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन जिसको यहां पर मैंगूज हेयर्स की स्मगलिंग के क्रैकडाउन के लिए किया गया था। मैंगूज हेयर्स की जो मैंगूज के जो हेयर्स होते हैं उनको क्रैकडाउन करने के लिए लिया गया था। चलिए इसके नोट्स बनाते हैं जल्दी से। नोट्स स्टार्ट विद स्टार्ट ऑपरेशन क्लीन आर्ट, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2020, 5-star टॉपिक। ओके, हुआ क्या है वाइन न्यूज। बेसिकली जो मैंगूज हेयर्स होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, पेंट ब्रशेस बनाए जाते हैं। इस वजह से वी सी मैंगूज स्मगलिंग, मैंगूज की स्मगलिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। मैंगूज इट्स मोंगूज, ओके, इन रियलिटी इट्स मोंगूज, MONGOOSE, ओके। ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के यहाँ पर शेड्यूल सेकेंड का पार्ट है। इसके साथ साथ इनका IUCN स्टेटस, दैट इज लीस्ट कंसर्न, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। IUCN के इसके साथ साथ जो साइट CITES है, साइट्स वाला, उसके अंदर भी ये प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर इनको हंट किया जाता है, दे आर हंटेड। इंडिया के अंदर 6 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, जिन स्पीसीज के अंदर जो ग्रे हेयर मैंगोज है उसकी सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन क्लीन आर्ट को लॉन्च किया था। ओके, ये पैन इंडिया प्रोग्राम है। इट वॉज कंसीव्ड बाय WCCB,
इसे भी लिख लेना, WCCB, द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ही यहां पर इसको कंट्रोल करता है। क्लियर? सबने लिख लिया ये वाला टॉपिक, नोट्स बना लिए सबने? नो, बैट इज डिफरेंट, मैंगोज बैट इज डिफरेंट, दीज आर दीज मैंगोज। गुड, चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जीएसटी का। अगर आप लोग रिवेन्यू देखोगे, ये हम लोगों को क्रॉस होता हुआ नजर आया है एट द मार्क ऑफ 1,00,000 करोड़ रुपीस। इतना आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि नवंबर के मंथ के अंदर हम लोगों ने 1,00,000 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है उसको हम लोगों ने यहां पर क्रॉस किया। ओके, ये भी एक और खबर थी। नाउ गाइस, यहां पर देयर इज अ एडिटोरियल सेक्शन। दिस एडिटोरियल टाइम टू एक्ट इज रिलेटेड विद कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर नंबर 3, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। द हिंदू का पार्ट है। इस पूरे सर्वे को आप लोगों के लिए एक्सटेंड करता हूं, जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं एज इट इज बनाते रहना। यहां पर जो मेन टॉपिक है, दिस इज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। इसको एक अलग स्टाइल में कवर करता हूं, एक नेक्स्ट लेवल चीज में कवर करते हैं। ओके, लेट अस डिवाइड दिस थिंग इनटू फ्यू ऑफ द ब्लॉक्स। कुछ ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई। सबसे पहला सवाल लिखेंगे वाई, कि ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस न्यूज को क्यों कवर कर रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड नॉट टू रिलीज 2017-18 CES, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को ना लॉन्च करने का डिसीजन यहां पर भारत सरकार ने लिया। इसके बाद लिखेंगे हम लोग व्हाट, ये सर्वे असलियत में होता क्या है। सो गाइस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, यू कैन से इट इज अ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये मैंने आपको बताया था, इट्स अ क्विनक्विनल। क्विनक्विनल मतलब हर 5 साल में हम लोगों को यह होता हुआ नजर आता है। हर 5 साल में ये कवर होता है, एवरी 5 ईयर। इट इज कंडक्टेड बाय NSSO। NSSO इसे यहां पर कंडक्ट करती है। यहां पर इंफॉर्मेशन आती है फूड एंड नॉन फूड कंजम्पशन की, सिर्फ और सिर्फ फूड की नहीं, फूड एंड नॉन फूड कंजम्पशन की हम लोगों को यहां पर रिपोर्ट आती हुई नजर आती। अब अगला बॉक्स है वाई इंपॉर्टेंट, ये इतना जरूरी क्यों हो गया हम लोगों के लिए ये सर्वे। बिकॉज ये सर्वे हेल्प करता है देश की इकोनॉमिक कंडीशन को देखने में, ये हेल्प करता है यहाँ पर पॉलिसीज के डिज़ाइन के अंदर, ये हेल्प करता है यहाँ पर कि हम लोग जीडीपी को रीबेस कर सकें। जो बेस ईयर होता है जीडीपी का, वो इसी हिसाब से तो डिफाइन किया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग इंक्लूड कर सकें। ये मैंने आप लोगों के साथ कवर किया था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग रिलीज नहीं करते हैं तो इसके व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम लोग इसे रिलीज नहीं करते हैं। नंबर वन, अगर हम लोग डिले करेंगे तो हमारी इंटरनेशनली हमारा एक यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा, ये लगेगा कि हमारे देश में करप्शन बढ़ रहा है। समझो इस चीज़ को, इससे क्या समझ में आएगा कि हमारे देश के अंदर
करप्शन बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, आईएमएफ ने भी इसी सेम चीज को यहां पर बोला था। आईएमएफ यहां पर लेकर आता है स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड, इसको भी कवर करना। ऐसे लिख लेना कि आईएमएफ लेकर आया था क्या, स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड, SDDS इसे कहते हैं, कि यहां पर कोई भी देश यहां पर किन किन चीजों को कवर ही करेगा। कोई भी देश यहां पर डेटा के अंदर कवरेज देखेगा, कोई भी देश यहां पर पब्लिक असेस देगा उस पर्टिकुलर डेटा को, लोगों को प्रोवाइड करेगा वो डेटा। यहां पर वी विल इंक्लूड डेटा इंटीग्रिटी एज वेल एज हम लोग डेटा क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे। और इंडिया के ऊपर डायरेक्टली पॉइंट आउट किया गया था स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड के अंदर, एंड व्हाट आई कैन से, इंडिया फेल्ड टू इंप्रेस आईएमएफ इनटू ऑल दीज थिंग्स। तो पूरे आर्टिकल की समरी आपको इस पर्टिकुलर जगह पर लेकर आती है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है क्या, इंडिया क्यों फेल रहा। ऑल्दो यहां पर बात यह भी की गई कि हमारा देश के अंदर यहाँ पर जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहा पिछले 6 सालों के अंदर, अपना जीडीपी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ। ओके, यहाँ पर इट्स 4.5%। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे 8 core sectors के बारे में बात करोगे, इनमें से 6 जो core sectors हैं उसमें हम लोगों को डिग्रेडेशन देखने को मिला एक्सेप्ट फर्टिलाइजर एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट। इंडिया को यहाँ पर कंजम्पशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, वही एक इनोवेटिव फिस्कल मेजर हो सकते हैं। क्लियर? अब है सर बताओ इतना डिले क्यों होता है किसी भी चीज में? देखो डिले होने के कारण ये होते हैं, हमारे देश में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, विल बहुत कम है, करप्शन यहां पर हर एक सेक्टर में है, तो ये कुछ बड़े इश्यूज हैं। सबने लिख लिया ये वाला आर्टिकल? प्रीवियस स्लाइड लीजिए। चलो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ओके, थर्ड में से डेटा इंटीग्रिटी, डिले के आगे इंटरनेशनली डिग्रेडेड रैंकिंग, इंटरनेशनल हमें लोगों को डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बढ़े आगे, आई होप सबको क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट बैटलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, AMR के बारे में ये टॉपिक आप लोगों के लिए बात करता है। गाइज, इस आर्टिकल का भी हम लोग यहां पर एक समरी देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल की समरी यहां पर सबसे पहले बात करती है कोलेस्टिन के बारे में। लेट मी चेंज द पेन। और बेसिकली बात करती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद योर GS पेपर नंबर 2 एंड अंडर द सबसेक्शन हेल्थ। ओके, कवर करते हैं कि क्या कहता है। रिसेंटली हमारी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने
बैन कर दिया मैन्युफैक्चरिंग क्या बैन कर दिया बैन कर दिया यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सवाल आता है व्हाई बैन क्यों किया गया. नाउ द रीजन बिहाइंड कि बैन क्यों किया गया वो यही है कि यहां पर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर किया जा रहा था एज अ ग्रोथ प्रमोटर. जैसे जो चिकन्स होते हैं जो हेन होती हैं उनका साइज बढ़ाने के लिए उनका वजन इंक्रीज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल किया जाता था. अब जितना उनका वजन बढ़ता था उतने ज़्यादा दाम में वो बिकते भी थे. ये एक बहुत बड़ा कारण था. इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ड्रग है बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो कि यहाँ पर एक लाइफ सेविंग ड्रग है. एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. जब यहाँ पर कुछ लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो अगर यहाँ पर चिकन्स या हेंस को खाते थे जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ पर उनकी ग्रोथ बढ़ी है तो उसकी वजह से उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप होने लगता था कि उनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल इतनी ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे पहुंच जाता था कि जब कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता था एज एन एंटीबायोटिक उसका कोई असर ही नहीं होता था. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी. और हमारे देश में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइना से इम्पोर्ट किया जा रहा था. तो दिस वॉज द इशू जिस वजह से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को बैन किया गया था. इतना क्लियर हो गया सबको कि कोलेस्ट्रॉल को क्यों बैन किया गया. मेरे लेसन का टाइम परमानेंट होता है इट्स 10 PM. यस बॉडी स्टार्ट रेजिस्टिंग अगेंस्ट कोलेस्ट्रॉल. ओके चलो जी यहां पर क्या बात हुई. आर्टिकल आपके लिए जो पॉइंट्स लेकर आता है कहता है कि नवंबर के अंदर हम लोगों ने एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया था. कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात हुई जो हम लोगों ने कवर कर लिया. बात की गई कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बहुत सारे लोगों के जाने बचाते हैं. बट यहाँ पर क्या होता है हमारी बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी क्रिएट करने लगती है. उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग सही तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते. डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं रहते. जो केमिस्ट होते हैं वो हम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर लेते हैं. कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं जैसे मान लो किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कार्डिक बायपास हुआ है वो भी यहाँ पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ यहाँ पर दवाइयाँ उस समय बॉडी के ऊपर काम करना बंद कर देती हैं. यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो पाइपलाइन है इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि एकदम से कोई एक नई दवाई नहीं बन जाएगी. एक दवाई को बनने में लगभग 30 साल लग जाते हैं. 30 साल से कोई नई दवाई भी नहीं आई है. और कोई दवाई आती है बनती है तो 10 से 12 साल में मार्केट में अवेलेबल होती है और जिसमें इन्वेस्टमेंट की कीमत भी $1 बिलियन के आसपास की होती है. डायरेक्टली बोलूं तो जो रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ वो एक अपने आप में एक मैन मेड डिजास्टर है. एंटीबायोटिक्स अपने आप में एक मैन मेड डिजास्टर है. और ओनील की रिपोर्ट ने बोला था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट वॉन्ट दैट इन एक्शन इन कॉन्ट्रास्ट AMR इज लाइकली टू रिजल्ट इन एनुअल मोर्टेलिटी रीचिंग 10 मिलियन पीपल एंड अ 3.5% फॉल इन GDP. GDP भी हम लोगों को घटती हुई नजर आती है. क्या बोला गया कि यहाँ पर पिछले 30 साल में कोई नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं आई है. आती भी है तो अवेलेबल होगी 10 से 12 साल में. इन्वेस्टमेंट लगेगा लगभग $1 बिलियन का और हम लोग रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस क्रिएट करते जा रहे हैं. एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस होना ही अपने आप में एक मैन मेड डिजास्टर है. और यहां पर AMR के बारे में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कस किया फ्रॉम G7 टू G20 टू यूरोपियन यूनियन टू आसियान कंट्रीज. इस आर्टिकल में बात की गई इंटर कंट्री डेवलपमेंट एजेंसीज के बारे में जो कि है WHO. यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने ना जो कि है WHO, FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ.
जिन्होंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है एक एक्शन प्लान. राइट द नेम ऑफ दिस एक्शन प्लान. इस एक्शन प्लान का नाम सब लोग लिखेंगे. नाम है इसका ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR. ऐसे लिखना और एरो लगा के लिखना कि ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, WHO, FAO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इनने मिलकर लगाया है. इन्हीं की तर्ज पे, इन्हीं से इंस्पायर होकर इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017 में. 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया NAP, जो वर्क करता था वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर, कि एनिमल हेल्थ हो या ह्यूमन हेल्थ हो, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है. अगर हम लोगों को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ना है तो ज़रूरत है कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो हमारी कार्रवाई है उसको एक्सेलरेट कर सके, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म कर सके. इंडिया के अंदर मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है AMR का वो हमें नहीं पता, बट सर्विलियंस नेटवर्क बढ़ाना ज़रूरी है. हमें यहाँ पर ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ेगी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. ओके, मूविंग ऑन, पेज नंबर 13, खबर मिलती है इंडिया स्वीडन टू साइन MOU फॉर पोलर साइंस कोऑपरेशन. इट्स अ जनरल फैक्ट कि इंडिया ने स्वीडन के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन और पोलर साइंस के अंदर एक MOU साइन करने का फैसला लिया है. एक और आर्टिकल आता है आपके लिए जो कि बात करता है हु इज़ अ फार्मर, फार्मर कौन है. ये भी एक जनरल GK वाला फैक्ट है. बेसिकली यहाँ पर हु इज़ अ फार्मर वाला सवाल पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया, तो PM किसान अलग अलग योजनाओं के अंदर फार्मर्स की डेफिनेशन हमें बदलती हुई नज़र आती है कि फार्मर्स असलियत में होते क्या हैं. इनफैक्ट देर इज़ अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन फार्मर्स कौन है, वो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स के अंदर यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने बनाई थी, जिसको MS स्वामीनाथन हेड कर रहे थे. 2007 में कैंटर ने अप्रूव भी किया. इसके अंदर क्या डिफाइंड है कि फार्मर वो व्यक्ति है जो भी इकोनॉमिक पर्पस के लिए अपनी फील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कल्टीवेटर हो, एग्रीकल्चर लेबरर हो, शेयर क्रॉपर हो, टेनेंट हो, पोल्ट्री से रिलेट करता हुआ व्यक्ति हो, लाइफ स्टॉक रेयरर्स हो, बी कीपर्स हो, गार्डनर्स हो, सब फार्मर्स के अंदर आते हैं. चाहे वो वर्मी कल्चर कर रहा हो, सेरीकल्चर कर रहा हो या एग्रोफॉरेस्ट्री कर रहा हो. तो ज़रूरत है यहाँ पर फार्मर्स की डेफिनेशन को सामने लेकर आने की. MS स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से एक लॉफुल डेफिनेशन हम लोगों के लिए सामने रखने की. सो दिस इज़ द पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए कवर करना था. ओके, चलिए गाइस, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर मैंडेटरी फेस स्कैन. चाइना यहाँ पर अपने लोगों के लिए सर्विलियंस करने की कोशिश कर रहा है. ये एक न्यूज़ थी. आज का आखिरी आर्टिकल, टुडेज लास्ट आर्टिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एंड लेट मी से आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन कि एक सवाल इससे यहां पर जरूर बनेगा. चलिए कवर करते हैं. यहां पर जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हुई, जो टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज इंस्टिक्स. क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है इंस्टिक्स. आज प्रीलिम्स रिलेवेंट टॉपिक हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिले न्यूज़पेपर के अंदर. ओके गाइस, व्हाट इज इंस्टेक्स? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बार्टर सिस्टम. इट्स अ टाइप ऑफ अ बार्टर मैकेनिज्म. बेसिकली हुआ क्या, आपको याद ही होगा 2018 के अराउंड जून के अंदर यहाँ पर US विड्रॉज फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील. ईरान न्यूक्लियर डील से US ने कर लिया विड्रॉ. इसीलिए यहाँ पर इन जनवरी 2019 यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक नया मैकेनिज्म लॉन्च किया जिसको बोला गया इंस्टेक्स. नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंस्टेक्स? इंस्टेक्स की फुल फॉर्म है
इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज. प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि जब यूएस ने सैंक्शन लगाने चालू किए तो यूएस ने अपने डॉलर के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए कि ईरान डॉलर से कोई भी यहां पर ट्रेड नहीं करेगा. मेन टारगेट यहां पर ईरान था. पर ये जो देश थे ये साथ में कि देखो हमें तो ट्रेड करना है ईरान के साथ, तो इसीलिए वो यहां पर ये क्लियरिंग प्रोसेस लेकर आए जिससे यहां पर ईरान के साथ कोई भी डील हो सकती है. अभी तक कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है इस डील के अंदर, बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम के लिए इंस्टेक्स इंपॉर्टेंट है. किसी को कोई भी डाउट? एनी डाउट गाइस? ब्रिटेन, इट्स ब्रिटेन. ओके, चलिए फिर आज के जो हमारा डिस्कशन था उसमें इतनी ही चीज़ें थी. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्लेलिस्ट भी दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ओके, चलिए. सो आज आप लोगों के लिए जर्मनी वाला पॉइंट सर, स्पेक्ट्रम क्या है, चलो देखते हैं, सवाल देखते हैं. पार्लियामेंट्री ग्रुप बताना, बेसिकली उसको हम ग्रुप फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट के अंदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन. स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ वेवलेंथ खरीदनी पड़ती हैं जिनके थ्रू यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम. कोलेस्टिन रिपीट करूँ, कोलेस्टिन बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रग जिसका इस्तेमाल किया जाता था एज अ ग्रोथ प्रमोटर इन पोल्ट्री इंडस्ट्री एज वेल एज इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग. तो इसकी वजह से क्या होता, कोलेस्टीन की वजह से, कोलेस्टीन का जब इस्तेमाल हो रहा था एज अ ग्रोथ प्रमोटर, हमारी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी. तो जब उसको यहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में यूज़ करते तो बॉडी अच्छी तरीके से रिएक्ट ही नहीं करती थी. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि हमारे सामने नजर आ रही थी. दिस इज द इशू रिगार्डिंग द कोलेस्टीन. ओके गाइस, चलिए. सो आज के लेक्चर को यहीं एंड करेंगे. उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़ याद रखना कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो उसे धीरे धीरे भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर एक चीज़ याद रखो, अपने काम को इतनी शिद्दत से करो कि एक दिन आपका काम ही न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाए. ओके, तो इसी पर्टिकुलर कोट के साथ मैं आप लोगों के लिए आज का लेक्चर एंड करता हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज भी मेरे साथ बहुत कुछ सीखा होगा. लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.